आप बॉडी बिल्डर हो, आपकी अलग ट्रेनिंग है, हाँ, फास्ट बॉलर्स की अलग ट्रेनिंग है, बैट्समैन है वो अलग ट्रेनिंग करते हैं, तो सबका ना ऐसा बटा हुआ है। अब आप किसी को ऐसा रनिंग करते हुए नहीं देखने के कि 15 किलोमीटर दौड़ गया, 10 किलोमीटर दौड़ गया, 12 किलोमीटर दौड़ गया। अब थोड़ा सा सब चेंज हो गया, धीमे धीमे मॉडिफाई हो गया, कहने का मतलब फास्ट फॉरवर्ड और मॉडिफाई हो गया। हाँ। अभी डाइट का भी पैटर्न आ गया है। हाँ, सब डब्बे खा रहे प्रोटीन। आपने कभी खाया भाई? नहीं, नहीं, नहीं। आपका क्या डाइट शेड्यूल रहता था डाइट का? मैं घी दूध वाला आदमी। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आप खिचड़ी में घी गिर रहे थे, वो बताओ ना एक बार। वो देसी आदमी, अगर जाट आदमी और देसी है, उसने घी ना खाया तो फिर क्या खाया? असल में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में मैच था, ब्रिस्बेन में शायद ब्रिस्बेन में मैच था। अब मैंने कभी वो खाए नहीं, वो क्या बंद बंद से क्या हो। हाँ, अब हमारे यहाँ काका होते हैं, अब तो शायद नहीं, इंडियन टीम में पहले हमारे साथ, मतलब इंडियन टीम के साथ रहते थे। तो मैं क्या काका, मैं चलो खिचड़ी बनाएंगे, काका ने खिचड़ी विचड़ी बना ली। ड्रेसिंग रूम की बता रहा हूँ, अच्छा, चलते गेम की बात बता रहा हूँ, मतलब जैसे वो हो जाता है ब्रेक हो जाता ब्रेक है। तो अपना खिचड़ी, मुझे घी पी तो मिला नहीं, वो मक्खन था, ये अमूल बटर था। तो मैं 5-7 टिक्की 5-7 टिक्की हाँ हाँ क्या हो 5-7 टिक्की कुछ भी वो गिरा। तो खिचड़ी के ऊपर वो ऐसा जैसे तैर गया, तो पाजी ने रहने को आवाज लगे, रहना तो रहना क्या है, ये कड़ी कहाँ से आई, कड़ी करी कड़ी। तो उसने बोला, रहना बोला भाजी कड़ी नहीं है, वो घी है। तो इतना घी, तो आप उसको पचाते कैसे थे उस फूड को? मतलब आजकल तो भाई अगर खा ले ना, बचपन से खा रहे तो आदत, हमारे तो हाँ नॉर्मल घरों में है ही घी दूध, क्यों नहीं है हमारे है, मतलब हमारे तो है, हाँ हमारा तो सब है, आदत पड़ जा। तो कभी एक्सरसाइज वगैरह उस तरह के पैटर्न से अपने ट्रेनिंग में बैठक मारा करो था बंद कमरे में? अच्छा, तो जैसे जब आपके ये लगते थे कैंप वगैरह, तो वहाँ पे अलग पैटर्न की ट्रेनिंग होती थी आप करते? मैं डंबल नहीं उठाया कभी, तो आप अपनी अलग ट्रेनिंग कर रहे थे, डंड बैठक मारे अपने 100-200 खत्म। तो भाई जो आज के जनरेशन, जैसे हमारे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, उनके लिए मतलब आप अगर वो क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो क्या उन्हें आप रास्ता दिखाओगे थोड़ा सा? मेरा बेटा ही देख रहा हूँ जैसे, नहीं खुराक खाओ पहले तो बढ़िया, खूब खुराक खाओ बढ़िया। क्रिकेटर बनने के लिए ये तो सबसे जरूरी है, क्रिकेटर बनने के लिए क्या रास्ता, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कैरियर भी खराब हो रहा है, बहुत सारे लोग सिर्फ यही बनना है या आईपीएल बनना है, तो मतलब रास्ता बहुत लंबा है, क्राउड बहुत ज्यादा है, तो कैसे मतलब कैरी करें? छोटे बच्चों को तो भी कुछ बोलना नहीं, जो कर रहा करन दो, इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। जैसे मतलब एक आज क्या हो रहा है ना, 17-18 साल के डेब्यू कर रहे हैं, इंडियन टीम में भी कर रहे हैं या आईपीएल में भी कर रहे हैं, अगर बच्चा 21 साल का 22 साल का 23 साल का 24 साल का हिंदुस्तान के लिए नहीं खेल रहा, तो अगर उसे दिख रहा है कि तू हाँ खेल जाएगा तो कुछ और काम पकड़ लो तुरंत, क्रिकेट बर्बाद कर देती है जिंदगी अगर सक्सेस ना मिले तो। बिल्कुल, तो मतलब प्लान बी देखो ना, तो बच्चा पढ़ पाता, 24 साल का बच्चा अगर कामयाब नहीं हुआ, 25 साल का बच्चा अगर कामयाब नहीं हुआ तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा? हम वो बात नहीं समझ पा रहे। हाँ, किसी माता पिता का पैसा ही इतना है तो बात अलग है,